किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ भाई जो हैं ट्रैक्टर पहली बार जो लेते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत आती है ट्रैक्टर खरीदने में। कारण क्या है, जो कंपनी के डीलर हैं उनको बहका देते हैं, मन मर्जी का ट्रैक्टर दे देते हैं, किसान को जानकारी नहीं होती। तो भाइयों इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़मीन अब घटती, क्या पूरे भारत में ज़मीन घटती जा रही है, फार्म रहे नहीं। किसान को ऐसा ट्रैक्टर लेना चाहिए जो अपना भी काम कर ले और पड़ोसियों का भी कर ले। भाइयों HP होनी चाहिए ट्रैक्टर की, 45 से 50 HP, 45 से कम मत लो। देखो आपको अगर अपना ही काम करना है, किराया नहीं करना, तो आप 35 पावर का भी ले सकते हो। अगर आपको अपने साथ में थोड़ा बहुत पड़ोसियों का भी काम करना है, अपना अर्निंग करनी है, तो 45 से 50 HP का ट्रैक्टर लो भी जरूर, क्योंकि वो 9 करोड़ का टीलर खींचेगा, 7 फुटा रोटावेटर चलाएगा, 7-7 की 8-8 की हैरो चलाएगा। आपके पास अपना रोटर नहीं है, पड़ोसियों का भी ले जा सकते हो। और भाइयों टायर का साइज होना चाहिए 13-6-28 का, 12 का तब जवान न गया, 14 का ज़्यादा बड़ा हो जा, क्योंकि खाली किराए से काम नहीं चलता, ज़मीन अब घटती जा रही है। मान लिया आपको आड़ू लगाने हैं, आड़ू में गुल रेडी होती है तो उसमें 13 का टायर चल जाएगा। कल को आप खुदाई कर रहे हैं तो टायरों से आड़ू की जो गुल है उन पर चढ़ के चलेगा पहिया, वो 16 का ले लिया तो 16 का वो काम नहीं कर पाएगा, तो 13 का काम करता है। इनमें 12 में 13 में 14 1-1 इंच का अंतर होता है। तो भाइयों आप 13-6-28 का ट्रैक्टर लें, आप अपना भी काम कर सकते हैं, पड़ोसी का भी कर सकते हैं। भाइयों एक जानकारी दूसरी ये है, ट्रैक्टर ऐसा लें कल को आपको बेचना पड़ जाए जिसकी मार्केट वैल्यू हो। बहुत सी नई कंपनियां होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती बिल्कुल भी, वो बिक नहीं पाता। फिर जरा हमारे क्षेत्र में मैसी, महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, जॉन डियर भी चल रहा है, ये अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके ट्रैक्टर चल रहे हैं। आपने ले लिया इंडो फार्म, प्रीत की मार्केट कम है हमारे यहाँ क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो इनकी थोड़ी मार्केट कम है, थोड़े मंदे बिकते हैं, फिर दिक्कत पड़ेगी आपको। ट्रैक्टर ऐसा हो जो आपको एमरजेंसी जरूरत हो, जो सुबह शाम तक बिक जाए, मार्केट थोड़ा वो महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन आपको आने वाले टाइम में उसका फायदा रहेगा। अगली जानकारी ये है, किसान भाई जो है कोशिश करें बैंक से अपना फाइनेंस कराएं, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस महंगा होता है और उनकी हर महीने की किस्त जमा करनी पड़ती है। डीलर क्या करते हैं, उनके पास एजेंट होते हैं प्राइवेट फाइनेंस वाले, वो घूमते रहते हैं, उनसे बात करा देंगे। प्राइवेट में एक दिक्कत है, वो हर महीने किस्त लेते हैं, किसान हर महीने किस्त नहीं दे सकता छमाही में। बैंक में तो छमाही करा लो, मान लिया आपके किसी कारण से छमाही नहीं जा पाए, साल भर में जारी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ब्याज बढ़ जाएगा लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई प्राइवेट तो एक किस्त रुकते ही आपका ट्रैक्टर खींच लेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसान के सामने। मान लिया बरसात आ गई, आपका ट्रैक्टर खड़ा है, काम नहीं चल रहा है, 5-4 महीने के लिए काम रुक गया किराए का, तो आप कहाँ से किस्त भरोगे, सब किसान उसमें कामयाब नहीं हो पाते। भाइयों वैसे तो हाइड्रोलिक आजकल सभी की पावरफुल बना रखी है हर ट्रैक्टर के लिए, फिर भी जानकारी होनी जरूरी है, अच्छे हाइड्रोलिक वाला ही ट्रैक्टर लिया जाए, कल को आपको दिक्कत हो बहुत दिक्कत पड़ती है। भाइयों ट्रैक्टर खरीदने से पहले आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी एजेंसी पे चले गए, वो ओने पौने कीमत मांगते हैं पहले, हर डीलर तेज चालाक है, किसान को ठगना चाहता है, सही कीमत नहीं बता पाते। आपने मन बना लिया कि मुझे तो ये ट्रैक्टर लेना है, इस कंपनी का ये मॉडल लेना है, तो डीलर से लिखवा लो उसकी कीमत पहले कि इस मॉडल की ये कीमत है, इसकी ये है, इसकी ये है। हर कंपनी का अलग अलग मॉडल है, अलग अलग HP के हैं, पावर स्टीयरिंग है, 7 है। अगर आप तो जमाना पावर स्टीयरिंग का आ गया भाई, अगर 7 में नुकसान नहीं, मैं तो 7 को पसंद करता हूँ। कारण क्या है, एक तो थोड़ी एक दो HP खा जाता है वो पावर वाला, और थोड़ा तेल भी 100-200 ग्राम फालतू लेता है, क्योंकि पावर का पंप चलता रहता है लगातार। भाइयों स्टार्ट होने के बाद में 7 स्टेयरिंग भी ढाल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब से पहले लोगों ने 7 स्टेयरिंग चलाए, हम भी 7 मैसी चला रहे हैं, फोर्ड भी चला रहे हैं 7, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो सब चलते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी है। आपके पास आपका बजट है तो आप पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हैं, इसे मैं मना नहीं करता आपको। हाँ भाइयों, कीमत की बात रह गई थी, आप आस पड़ोस के डीलर से संपर्क करें, एक कंपटीशन बिठा लेने से पहले। मान लिया आपको किसी कंपनी का ट्रैक्टर लेना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो आप दूसरे ज़िले में जाकर उसका रेट मालूम कर लें, फ़ोन पे मालूम कर लें, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी रहती है, ट्रैक्टरों के डीलर से संपर्क करें, भैया तुम्हारे यहाँ क्या रेट है, तो कंपटीशन बिठा के लें। मान लिया आप किसी ट्रैक्टर कंपनी में पहुँच गए, तो दूसरे का आपको ज्ञान है, आप कह दो भैया कितने का, वो कहेगा इतने का, भैया मुझे तो वहाँ इतने का मिला, मैं तो वो लम्बा थारी पावर 50 का, वो मुझे 50 का मिल रहा, 50,000 बंदा मिल रहा, तो वो तुम्हारे पास अपना आदमी भेजेगा तो वो 50,000 रुपये कम कर देगा। तो कंपटीशन बढ़ाना सीखो, लूटो मत ना भाइयों। एक मेरा कहना ये है कि किसान क्या करते हैं, किसान गया सौदा हो गया, डीलर क्या करेगा, जो साहब जमा कर दो, आपने 1 लाख रुपए जो समा के जमा कर दिए, फिर कहेगा अब जो सारे पैसे जमा कर दो, कल ट्रैक्टर मिल जाएगा आपको, आप पूरा पैसा देकर नया ट्रैक्टर लिया है। बहुत से ट्रैक्टर में कमी निकल जाती है, वो आकर लोड मानते हैं, धुआं दिखाते हैं, जो RPM तोड़ते हैं, तो फिर वो डीलर वापस नहीं लेता ट्रैक्टर को। उनसे साहब कहते भैया पहले मैं इसका डेमो लूँगा, ट्रैक्टर को आप घर पे मंगाएं, उस पर टीलर पे चला के देखें, हैरो पे चला के देखें। भैया मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, हमने स्वराज लिया था बड़ोस से, हम 500 रुपये दे कर लाए थे, क्योंकि मैंने लेने में 1 महीना खराब कर दिया था, कभी फार्म ट्रैक पे जा, कभी सोनालिका पे जा, कभी स्वराज पे जा, तो उनके डील पीछे लग गए, भैया ये तो मुर्गी बहुत तेज है, हमारी पकड़ में नहीं आ रही, इसे पटाओ किस तरह। तो भैया मुझे लेना था स्वराज, मैं गया फार्म ट्रैक पे, फार्म ट्रैक वाले का रेट मालूम कर लिया, फिर मैं पहुँच गया सोनालिका वाले पे, उसका रेट मालूम कर लिया, स्वराज वाले पे सबसे पहले गया था, तो स्वराज वालों को एक घबराहट हो गई थी, दूसरी कंपनी पर जा लिया, उन्हें फिर अपना आदमी भेजा। तो भाई ये मुझे रेट बताया था 3.5 लाख रुपए का 2003 में, स्वराज 735, वो 744। तो भाई ये मैं उठ के चलाया, फिर मैं पहुंचा बड़ोत, बड़ोत में चौधरी की एजेंसी थी, मैंने कहा मगर चौधरी साहब मुझे ये चाहिए, वो कहने लगे 3.25 लाख रुपए का, मैंने कहा मैं कर लेते थे, मेरिट वाला दे रहा 2 से भी कम, वो 3 से भी कम का, वो पूछते है नहीं आपस में, बिल्कुल भी इनमें चिंता होती है। तो भाइयों मुझे 2,95,000 का वो स्वराज ट्रैक्टर मिला, जिसे मेरे 1,100 रुपये बहन ने भी चला गया था स्वराज की एजेंसी पे, आनंद पैजा एजेंसी थी, 3.25 लाख की, मैंने वे 1,400 रुपये जो थे, 1,100 कितने थे मेरे भी, मैंने वे छोड़ दिए क्यों मुझे वापस नहीं मिलने थे वे। मैं 2,95 का बड़ो उससे ले आया, और उसमें 10-12 हज़ार रुपये RC वगैरह में लगे, मैंने कुछ फाइनेंस भी कराया था ट्रैक्टर का, तो भाई ये वो आ गया। तो बहुत से भाई कहते हैं नहीं ट्रैक्टर में नुकसान नुकसान नहीं है, आज ट्रैक्टर 7.5 लाख का, 10 साल पीछे बैठे हुए तो ये कम से कम 20 लाख की कीमत होगी, आप याद रखना मेरी बात, क्योंकि जो 2003 में ट्रैक्टर 3 लाख का था, वो ट्रैक्टर 2013 में 5.5 लाख का हो गया था, तो हमारा फिर वो 3.5 लाख का बिक गया, हमें नुकसान नहीं रहा, 10,000 घंटे भी चलाया। तो आप ये मत सोचो आज आपने हमने मैसी 5-60 का लिया, 10 साल पीछे हम बेचेंगे 5-60 का बिक जाएगा अगर कंडीशन सही है, क्योंकि इसकी कीमत जो इतना 8-9 लाख की हो जाएगी, तो ये है घटता नहीं है बिल्कुल भी ये तो सोच। हाँ अगर आपने आज ट्रैक्टर खरीद लिया, उसे आप 2 दिन पीछे बेच रहे हो, उसकी कीमत 50-60 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट पे जाएगा। वो कारण क्या है, लोग सोचते हैं यार यो कुछ कारण भी हो सकता है। एक बहुत से भाई क्या करते हैं, नकद के चक्कर में कुछ चलावा ले लेते हैं 150 घंटा, तो भाई उसमें कई कारण है, एक तो किसान बेचता है मजबूरी में, वो सही ट्रैक्टर मिल जाएगा, कुछ किसान बेचते हैं कुछ कमी रह जाती है तो वो फॉल्ट उनको मिलता है। एक बार मैं नाम नहीं लेता ट्रैक्टर का, एक ट्रैक्टर 500 घंटे चला हुआ एजेंसी वापस आ गया, मैंने उसकी वीडियो डाली, उसे स्टार्ट करवाया तो वो फटफटा रहा था, मैं कही क्या बात है इसमें, मैंने कैमरा बंद कर दिया, तो उन्होंने बताया उनको भाई इसमें कमी है, किसान ने बताया यो लोड पर फटफटाता है इसलिए हमने वापस कर दिया। तो उस कंपनी ने किसान को चपड़ने की बजाय दूसरा नया ट्रैक्टर दे दिया। तो उसे फिर मैंने वीडियो डाली,
तो किसान भाई जो होते हैं उसे लेगी एक फटाफट खरीद के, अब वो खुशहाल है या रो रहा है वो तो वो जानता होगा, लेकिन उसे इतना ध्यान होना चाहिए था जो 5 घंटे ट्रैक्टर चल के आया है, कुछ कारण भी हो सकता है उसकी, उसका डेमो लेना चाहिए भाइयों इस तरह। तो भाइयों मेरी सोच ये है कि किसान जल्दबाजी ना करें। भाइयों हम अपने सबराज ट्रैक्टर को 500 रुपये दे के लाए थे, 1 महीने बाद में हमने बैंक का लोन कराया था, ये कह दिया था भाई हमें पसंद आ गया रख लेंगे नहीं वापस कर देंगे। जब हमने मैसेज लिया हमने 1100 रुपये दिए थे बहन ने, मैं सही बता रहा हूँ आपके सामने, कि उन्हें ये पता था कि ये पार्टी चपड़ने वाली है, तो वे मेरे घर ले आए मैसी वाले, 10 आदमी आए उनके इकट्ठे हो गए, हमने सोनाली का ट्रैक्टर चल रहा था 50 हमारे गांव का, उसके रूटावेटर पे जोड़ा और वो चला दिया, हमारे गांव की भीड़ इकट्ठी होगी तो मुझे एक ने कह दिया ये पेट्रोल गिर कर लाए हैं, तो मैं घबरा गया, मैं कह दिया पेट्रोल गिर कर सच्ची चिता के जाए दिखा रहा हूँ। तो हमने फिर वो 1 महीना चलाया, वो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, अपना डीजल चलता रहा, उसका घंटे भी गिरे जुताई भी करे, वो ट्रैक्टर कामयाब हो गया, हमने तब उसका हिसाब किया। तो हाँ इसलिए किसान को धोखा नहीं होता भाई, वो आज हमारा फेस्टिवल बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। कुछ किसानों को ऐसे किस्से देखे मैंने कि बाद में रोते फिरते हैं कि ना कंपनी वाला वापस लेता ना कोई डीलर बात करता उससे, वो किसान के गले में गल जाता है मरा हुआ सांप। इसलिए बचें भाइयों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नमस्कार।